अच्छा ऐसे बनाते हैं टेडी का बर्थडे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है नवरात्र का पहला दिन, यानी कि आज है परिवा, और मुझे भी तबीयत में थोड़ा सा आराम मिल गया है, तो मैंने सोचा कि माता रानी ने आराम दे दिया है, यानी कि जानबूझ के मेरी तबीयत ठीक कर दी है कि आज परिवा है, ताकि मैं सारी चीज़ें अच्छे से कर लूँ, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कि लो नवरात्र स्टार्ट हुए और मैं बीमार पड़ी हूँ, कुछ कर भी नहीं पाई। तो मैंने कहा चलो जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं कर लेती हूँ। तो अभी तो मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई, ये सब मैंने अभी कपड़ा निकाला है जो पहले बिछा हुआ था यहाँ मंदिर में, ये सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ। और कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब भी होती है ना, तो जब हम ऐसे कामों में लग जाते हैं ना, तो अपने आप तबीयत छुमंतर हो जाती है। तो अभी मैंने सारे भगवान जी की तस्वीरों को साफ़ किया है, और ये गणेश जी की मूर्ति है, इनको भी आज नहला दिया है मैंने, और ये इनका आसन भी चेंज कर दिया है। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया है, और नीचे की मंदिर की बाकी जो सफाई है, जो इसकी रैक वगैरह है, वो मैंने पहले से सेट कर रखी थी, तो वो पहले से बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत जो साफ़ करने लायक होगा मैं वो साफ़ कर दूँगी। ये देखिए सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है बस। और मेरे पास जो फूल लगे हुए हैं उन्हीं को मैं तोड़ लेती हूँ। तो बालकनी में देखिए दो पीले केली के फूल लगे हुए थे, एक गुलाब लगा हुआ था, तो ये सारे फूल मैं ले आई हूँ, क्योंकि नवरात्र है और माता को गुलाब का फूल चढ़ाओ तो बहुत ही अच्छा होता है। लाल फूल बहुत सुंदर माना जाता है, लेकिन मेरे पास पिंक है, तो पिंक है, रेड है, सेम ही है लगभग, तो मैंने वही ले लिया है। और यहाँ पर नंदिनी फल भी ले आई है धो के, और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है इस बार, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बहुत है मेरे पास। और अब हम कर लेते हैं माता रानी की पूजा अर्चना हवन। और उस दिन मैंने जो ग्रोसी बनाई थी वो आज कितने काम आएगी, मैंने बनाई उसको कलर किया, और फिर जब मैं बीमार हो गई तो मैं सोच रही कि देखो मैंने नवरात्र के हवन के लिए ग्रोसी बनाई थी और मैं ही बीमार हो गई, लेकिन मैं करने के टाइम पे ठीक हो गई। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कलर करने के बाद सूख गई है, और आज ये कितने काम आएगी। अगर इस टाइम पर नहीं होती फिर मैं ढूंढती रहती किस में करूँ, या फिर तुरंत ला नहीं पाती, तो इसलिए ये काम आ जाएगी। और ये रखी है कंडी, और आप में से किसी ने मुझसे कमेंट करके कहा था कि मंदिर में कंडी नहीं रखते हैं, तो मुझे लगा ये पूजा की चीज़ है तो यहीं पर मैं रख दूँ, यहाँ वहाँ क्यों रखूँ, कोई इधर उधर कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिए थे। और मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ रखते हैं या नहीं रखते हैं, मुझे नहीं मालूम था। और उसके बाद अब मैं हवन कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने घी लिया है, घी लौंग ये सब लेते हैं। और जब तक मैं हवन पूजन कर रही हूँ तब तक मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं काम की बात कर रही होंगी, काम की बात ये भी करने जा रही हूँ, मतलब फिर मैं जो वीडियो में दिखा रही होंगी मुझे वही बोलना पड़ेगा जो वीडियो में दिख रहा होगा, लेकिन हवन पूजन करना सबको आता है, तो मैं और कुछ बात भी कर सकती हूँ अभी। तो क्या है, आप में से बहुत सारे मैंने ऐसे कमेंट देखे हैं जो कि हम में से ही कई महिलाएं करती हैं, कि दी मैं कुछ करना चाहती हूँ या मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है फैमिली से, या कोई दिक्कत है, या मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ऐसे में क्या करूँ। तो मेरा एक जवाब है आप लोगों से कि अगर आप ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं, सच में मानते हैं कि कोई एक ऐसी एनर्जी है जो हमें हमेशा हेल्प करती है, हमें सही रास्ता दिखाती है, तो बस जब तक आप अपने आप से नहीं हारोगे ना, तब तक आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। पता है एक टाइम ऐसा मेरे साथ भी था जब मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मतलब मैं भी जॉब की तैयारी कर रही थी, मेरी जॉब नहीं लगी थी, मैं प्राइवेट नौकरी कर रही थी, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं थी, या मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी, और काम की बात मैं क्या बताने जाऊंगी, यहाँ देखिए उस बात से मैं ब्रेक ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं साबूदाना गला रही हूँ, जो मीडियम साइज़ के साबूदाने होते हैं उसकी आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी, जो एकदम खिली खिली खिचड़ी बनती है ना, आप लोग कई बार कहते हैं दी आपने एक भी बार साबूदाने की खिचड़ी नहीं बनाई है, तो उसी के लिए मैंने जो एक पैकेट साबूदाना था उसको डाल के गला के रख दिया है। आधे घंटे के लिए इसको पानी में ऐसे ही गलने देना है, अभी आधे घंटे बाद बताऊंगी अभी इसमें क्या करना है, अभी इसको छेड़ना नहीं है। हम इसे 6-7 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए तो नहीं गलाएंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से गलाएंगे कि अच्छे से साबूदाने गल जाएंगे
और चिपकने भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पर ये मक्खन रखा हुआ था, उस दिन से गर्म नहीं किया था, तो साथ में ही मैंने इसको भी गर्म करने के लिए रख दिया है कि ये साथ ही साथ गर्म हो जाएगा। ये वैसे खाने वाने की यूज़ के लिए का मक्खन है, ये मतलब घी, वैसा नहीं है कि इसको पूजा पाठ व्रत में यूज़ करना है। तो एक बार ये तेज़ गैस में मक्खन पूरा पिघल जाए, उसके बाद मैं गैस धीमी कर दूंगी, तो ये अपने आप धीरे धीरे होता रहेगा। और इस बार काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में मक्खन निकला है देखिए, क्योंकि क्या है एक हफ्ते का जब हो जाता था तो मैं निकाल के उसको गर्म कर लेती थी, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा दिन का हो गया था, ये 13-14 दिन का हो गया था, इसलिए ये ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पर मैं अपने लिए थोड़ा सा करी पत्ता तोड़ के रख ले रही हूँ पहले से ही खिचड़ी के लिए, तो थोड़े से मैंने यहाँ पर करी पत्ते ले लिए हैं और घी भी धीरे धीरे ये गर्म हो गया। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना घी, तब मैं इसको भरूंगी और इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इसको ऐसे ही रख दूंगी ना तो अपने आप जितना ये नीचे वाला है सारा नीचे बैठ जाएगा और ऊपर ऊपर का घी भर लूंगी। और यहाँ पर आलू नहीं थे घर में, आलू अदरक हरी मिर्च नहीं थी, तो वो मैंने अभी मंगाई है क्योंकि खिचड़ी में मुझे ये चीज़ें चाहिए भी थी, तो मैंने इसलिए अभी हरी धनिया भी मंगाई है। तो ये सब मैंने भी धो के साफ़ करके रखे हैं। और धनिया यहाँ पर जड़ वाली मिलती है, तो मतलब बहुत सारी जगह जड़ वाली मिलती है, कहीं कहीं पत्ती वाली मिलती है जहाँ पर पत्ती पत्ती बेचा करते हैं, तो हमारे यहाँ पत्ती वाली भी मिलती है, तो मैंने इसकी भी काट के और सारी ये साफ़ करी है धनिया। और ये साबूदाने भी अच्छे से गल गए हैं, मैंने इनको आधे घंटे के लिए पानी में पहले भिगोया था, आप लोगों को दिखाया था ना कि इनको अच्छे से मैंने पानी डाल के भिगोया था कि अच्छे से डूब गए थे, ऊपर तक पानी था, इनमें पानी कम नहीं रखा था मैंने। और आधे घंटे के बाद मैंने इनका पानी निकाल दिया था और इनको धो दिया था थोड़ा सा 2-3 बार, तो जितना भी इसमें छोटा छोटा चूरा जैसा दिखता है ना, तो धुलने से एकदम फिर से खिले खिले हो जाते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनको फिर से भगोने में छोड़ दिया था, इतना पानी था कि वो बस थोड़ा सा भीगे हुए थे और पानी उनके ऊपर तक नहीं आ रहा था, और बस 1 घंटा रखे जब तक मैंने तैयारी की है, तब तक वो बहुत अच्छे से। और बस मैंने उनको छलनी में निकाल के रख दिया है। और यहाँ पर थोड़ी सी ली है मूंगफली, इनको मैं रोस्ट कर ले रही हूँ, अच्छे से भून ले रही हूँ, क्योंकि मूंगफली खिचड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो बस जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो इनके जो भी छिलके होते हैं उनको मैं निकाल दूंगी मैश करके, और फिर थोड़ा सा इनको दरदरा सा पीस लूंगी, तो इसको दरदरा सा डालेंगे और कुछ खड़े हुए डालेंगे। तो ये थोड़े से अभी गर्म लग रहे थे हाथ से मैश करने में, इसलिए मैंने एक सूती कपड़ा लिया है और इससे इसके सारे जितने छिलके हैं मूंगफली के निकाल दिए हैं, मतलब जितने निकल गए थे उतने निकाल दिए थे, जो नहीं निकले थे वो वैसे ही बने रहने दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में मैंने फिर से घी लिया है, घी को गर्म कर लिया है, इसमें डाला है जीरा और जो करी पत्ते लाई थी वो धो के डाल दिए। उसके बाद में मैंने आलू काट के रखे थे, 2 छोटे आलू पतले पतले, इनको अच्छे से इसी घी में फ्राई कर दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही ढक दिया ताकि आलू हमारे पक जाएं। और आलू जब पकने को हो गए तो मैंने इसमें डाल दिए हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद में ये देखिए मैं आप लोगों को साबूदाना दिखा रही थी, क्योंकि जब तक हम बनाते रहेंगे ना इनका प्रोसेस चलता रहता है, वो और अच्छे से आपके तैयार होते रहेंगे छलनी में। और यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और जो ये मूंगफली पिसे हुए रखे थे इनको डाल दिया है। और उसके बाद इसमें डाली है थोड़ी सी चीनी, और मतलब थोड़ी सी डाली है, इसमें अच्छा सा फ्लेवर देती है चीनी। और उसके बाद सेंधा नमक डाल दिया है, जो व्रत वाला नमक होता है वो डाल दिया है, और बस सबको अच्छे से मिला देंगे सारी चीज़ों को। और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया था, टमाटर को थोड़ा सा फ्राई किया है। उसके बाद ये जो मैंने मूंगफली रखे हुए थे बचा के थोड़े से वो डाल दिए। अब ऊपर से इसमें साबूदाना डाल देंगे, और ये साबूदाना ये देखिए ऐसे मतलब ढेर सा दिख रहा है, ढिम्मा सा बंधा हुआ, लेकिन इसको जब हाथ से ऐसे तोड़ेंगे तो एकदम अलग अलग खिले खिले हो जाएंगे, ऐसा लगेगा ये थर्माकोल जैसे दिख रहे होंगे ये साबूदाने। तो इसमें हमें ओवरनाइट या 7-8 घंटे ऐसा कुछ नहीं साबूदाने गलाने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले ज़्यादा पानी में गलाना है, फिर धो के कम पानी कर देना है, उसके बाद छलनी में निकाल देना है। बचा था जो बाकी था उसको मैंने दूसरे डिब्बे में भर के रख दिया है, इस वाले डिब्बे में भर दिया है,
और इस बार थोड़ा सा नीचे का जला हुआ ज़्यादा निकला, ये देखिए, क्योंकि ज़्यादा घी था। और उसके बाद ये जो खिचड़ी रखी हुई थी उसको मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। ये देखिए ठीक ठाक बन गई। मैं खिचड़ी नहीं, मैंने उस बार टिक्की बनाई थी। आप लोग कहते खिचड़ी बनाना खिचड़ी, तो मैंने कहा इस बार मैं खिचड़ी बनाऊँगी। वैसे जो लोग नमक नहीं खाते हैं व्रत वाला, वो बिना नमक के भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे क्या है थोड़ा सा तबीयत ख़राब रही थी तो फिर मैं बिना नमक का भी रख लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है तो इसलिए मैंने हल्का नमक डाल दिया है इसमें, ताकि थोड़ा सा फिटनेस वगैरह है तो तक यहाँ ने और सुंदरता फैला दी है। पार्टी मना रहा है, ये क्या कर डाला है आज? अपने बच्चे क्यों है यार? वो अपनी पार्टी मना रहा है। अपने बच्चे क्यों है? होने दे, झाड़ू लाओ साफ करो पूरे घर में। किया क्या किया है? किसका बर्थडे है? टेडी का बर्थडे मनाते हैं। अच्छा, ऐसे बनाते हैं टेडी का बर्थडे। घर में कोने कोने में फैला के आया है, इसकी वजह से कहीं का भी कूड़ा कबाड़ नहीं बच सकता है। देखिए वो कैसे खड़ा हुआ है, कहीं नहीं बचा हुआ है इसके चक्कर में। मैं जा रही थी खिचड़ी का भोग लगाने, लेकिन ये माना नहीं, तो बस यहाँ पर मैं लगा देती हूँ भोग, उसके बाद मैं खा लूँगी। और खिचड़ी मतलब मैं एक बार खिचड़ी खा लूँगी, इसके बाद चाय वाय पी लूँगी और मैं दोबारा कुछ भी नहीं खाऊँगी। तो अभी भोग लगाने के बाद पहले मैं इनको टेस्ट कराती हूँ, तो ये बताएंगे कैसा बनाए। फिर चलिए हम लोग भी खा लेते हैं। ये देखिए इसको बिना व्रत के भी खा सकते हैं, बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं, उनको भी पसंद आता है। कम तेल मसाले का होता है तो कुछ होता भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अब मैं वीडियो को कर देती हूँ एंड। खिचड़ी काफी अच्छी बनी थी खाने में, और ये कपड़े धुल गए मशीन के, तो इनको मैं जाके सुखा देती हूँ। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार आप लोगों को फिर से हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी उगादी, और तब तक के लिए बाय।